वेलकम टू मंथन स्मार्ट क्लासेस। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार लेके आई हूँ इंग्लिश की स्मार्ट क्लास। मैंने आपको नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन से रिलेटेड कई सारी एक्सरसाइजेस कराई और वीडियोस कराए हैं। पिछले लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने आपको नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाया था, तो आज मैं उस पर बेस्ड एक्सरसाइज आपके लिए लेके आई हूँ। एक्सरसाइज जो आप सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, जिस पे बेस्ड एक्सरसाइज से आप नाउन एंड इट्स काइंड्स को बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज से समझते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको एरर जो है वो फाइंड आउट करनी है। ऐसे आपके क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं कि आपको एरर फाइंड करनी होती है, किस पार्ट में क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है हमारा, वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी टू अ ग्रुप ऑफ लायर्स, नो एरर। इसके फाइव पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में वी शुड नॉट है, सेकेंड में ट्राई टू डेवलप, थर्ड है एनी इंटीमेसी, एंड फोर्थ टू अ ग्रुप ऑफ लायर्स, एंड फिफ्थ इज नो एरर। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन, इसमें कलेक्टिव नाउन का यूज हुआ है टू अ ग्रुप ऑफ लायर्स। मैंने आपको कलेक्टिव नाउन का यूज बताया था, तो कलेक्टिव नाउन में टू अ ग्रुप ऑफ लायर्स नहीं होता है। ग्रुप की जगह क्या यूज करेंगे हम, लायर्स के साथ ग्रुप की जगह हम यूज करेंगे पैक। लायर्स के साथ कलेक्टिव नाउन पैक का यूज होता है, ग्रुप का यूज नहीं होता। ये हमारी क्या थी, मिस्टेक थी। तो हमारा फोर्थ डी पार्ट में एरर थी, तो ये फाइंड आउट हो गया है, इसको हम पैक में चेंज करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अ स्टॉक ऑफ लेक्चरर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट्स, नो एरर। फर्स्ट पार्ट है अ स्टॉक ऑफ लेक्चरर्स, सेकेंड पार्ट ऑन दिस टॉपिक, थर्ड विल बी फ्रूटफुल, फोर्थ है टू द स्टूडेंट्स, एंड फिफ्थ इज नो एरर। क्या देख के लग रहा है आपको, किस पार्ट में एरर है या फिर एरर नहीं है? देखिए, ये भी कलेक्टिव नाउन पे बेस्ड है, अ स्टॉक ऑफ लेक्चरर्स। तो मैंने आपको बताया था लेक्चरर्स के साथ कभी भी स्टॉक का यूज नहीं होता है। ये जो नाउन है हमारी, ये कलेक्टिव नाउन हमारी रॉन्ग है। इसके साथ किसका यूज करेंगे, कोर्स। लेक्चरर्स के साथ हमेशा कोर्स का यूज होता है, अ कोर्स ऑफ लेक्चरर्स। हमारा जो ये कलेक्टिव नाउन है, अ कोर्स ऑफ लेक्चरर्स। तो हमारी एरर कहाँ थी, ए सेक्शन में, ए पार्ट में हमने फाइंड आउट कर ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द रॉबर्स रिसीव्ड अ वॉली ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द पब्लिक। क्या है थर्ड क्वेश्चन, क्या है हमारा, द रॉबर्स रिसीव्ड अ वॉली ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द पब्लिक। ये देखिए, इसमें करेक्शन है कि नहीं है ये आपको देखना है। ये भी कलेक्टिव नाउन पे बेस्ड है, क्या है, अ वॉली ऑफ स्टोन्स। तो इसमें देखते हैं करेक्शन है कि नहीं। देखिए, स्टोन्स के साथ क्या यूज होता है हमेशा, स्टोन्स के साथ मैंने आपको बताया था वॉली का ही यूज होता है। ये कलेक्टिव नाउन हमारी बिल्कुल ही क्लियर है, बिल्कुल सही है, तो वॉली का ही यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट सही है, हमारा पार्ट नो एरर, इसमें कोई भी है। द रॉबर्स रिसीव्ड अ वॉली ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द पब्लिक, नो एरर। तो मैंने आपको बताया अभी कि हमारी कलेक्टिव नाउन स्टोन्स के साथ वॉली यूज होती है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू गिव एनी प्रोग्राम बिफोर सच अ थ्रॉन्ग ऑफ सिंसियर लिसनर्स इज इम्पॉर्टेंट। क्या है, टू गिव एनी प्रोग्राम बिफोर सच अ थ्रॉन्ग ऑफ सिंसियर लिसनर्स इज इम्पॉर्टेंट, नो एरर। देखिए, ये भी कलेक्टिव नाउन पे बेस्ड है, क्या है, सिंसियर लिसनर्स। क्या दिया हुआ है, सिंसियर लिसनर्स, और इसके साथ कलेक्टिव नाउन क्या हुई है, थ्रॉन्ग, थ्रोंग का यूज हुआ है, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। सिंसियर लिसनर्स जो है उसके साथ अ थ्रोंग का यूज ना होके, अ थ्रोंग का यूज ना होके हम यहाँ पे यूज करेंगे एन असेंबली। यहाँ पे हम यूज करेंगे एन असेंबली, ये हमारा कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, सच एन असेंबली ऑफ सिंसियर लिसनर्स। ठीक है, सच एन असेंबली ऑफ सिंसियर लिसनर्स। तो ये हमारा कौन सा पार्ट में मिस्टेक है, सी पार्ट में हमारे एरर थी, तो हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी सच अ हैवी पाइल ऑफ ग्रेन ऑन द हेड। क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी सच अ हैवी पाइल ऑफ ग्रेन
such a heavy pile of grain on the head. तो कौन से portion में mistake है, कौन से portion में mistake है देखते हैं, कौन सा portion हमारा जो है उसमें error है. देखिए मैंने आपको बताया पहले ही collective noun का use करना सिखाया था. देखिए यहाँ पे हमारा फिर collective noun है, pile of grain है, पाइल ऑफ ग्रेन का यूज हुआ है. ग्रेन के साथ पाइल का यूज कभी भी नहीं होता है. मैंने आपको पहले बताया था कलेक्टिव नाउन का यूज जो है करेक्ट यूज करना चाहिए. जिसके साथ जो कलेक्टिव नाउन यूज होगी हम वही कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टू कैरी सच अ हैवी शोफ, एस एच ओ ए एफ, शोफ ऑफ ग्रेन. हमारा ग्रेन के साथ क्या यूज होगा, शोफ, एस एच ओ ए एफ. ये ग्रेन के साथ हमारा कलेक्टिव नाउन यूज हो गए. तो इसके कौन से पार्ट में मिस्टेक है, सी पार्ट में एरर है, हमने फाइंड आउट कर लिया और मैंने आपको बता दिया एरर क्या थी और उसका करेक्शन क्या करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हर्ड ऑफ हॉर्सेज हैज अराइव्ड टू ज्वाइन द रेस. अ हर्ड ऑफ हॉर्सेज, फर्स्ट पार्ट है अ हर्ड ऑफ हॉर्सेज, सेकेंड हैज अराइव्ड, थर्ड है टू ज्वाइन द रेस एंड फिफ्थ इज नो एरर. तो यहाँ पे क्या होगा, हर्ड कभी हॉर्सेस के साथ यूज होता है, हर्ड जो है कभी भी हॉर्सेस के साथ यूज नहीं होता है. हॉर्सेस के झुंड को क्या बोलते हैं, हॉर्सेस के झुंड को हम क्या बोलते हैं, हॉर्सेस के झुंड को बोलेंगे फ्लाइट, एफ एल आई जी एच टी. तो ये हमारा किस पार्ट में करेक्शन मिला हमको, इसमें एरर मिली और हर्ड को हम किस में चेंज करेंगे, फ्लाइट में, एफ एल आई जी एच टी, फ्लाइट. यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हर्ड की जगह फ्लाइट का यूज हो जाएगा, अ फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस. तो हमारा कौन से पार्ट में करेक्शन है, एरर है, हमारे फर्स्ट पार्ट में एरर है, फाइंड आउट कर लिया और उसका करेक्शन भी देख लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अ रेजिमेंट ऑफ ऑफिशियल्स हैज बीन इन्वाइटेड टू लंच. अ रेजिमेंट ऑफ ऑफिशियल्स क्या होगा, ऑफिशियल्स के साथ क्या आता है, ऑफिशियल्स लोगों के साथ रेजिमेंट आता है कि नहीं देखते हैं. सेकेंड बढ़ते हैं, हैज बीन, थर्ड है हमारा इनवाइटेड, फोर्थ टू लंच एंड फिफ्थ इज नो एरर. देखते हैं इसमें एरर है, एरर है कि नहीं है, तो ये आपको देखना है एरर. देखिए ऑफिशियल्स के साथ कौन सी कलेक्टिव नाउन यूज होती है ये देखते हैं. ऑफिशियल्स क्या इसके साथ रेजिमेंट ही यूज होगा या फिर चेंज हो जाएगा, तो मैं बताऊं आपको ऑफिशियल्स के साथ कभी भी रेजिमेंट यूज नहीं होती कलेक्टिव नाउन. यहाँ पे जो रेजिमेंट है वो हमारी करेक्शन में है. ये हमारा कौन सा पार्ट एरर फाइंड आउट हुई है, ए पार्ट में एरर फाइंड आउट हुई है और इसका करेक्शन क्या करना है, इसको सही क्या करना है. रेजिमेंट की जगह आर्मी करेंगे, जब आर्मी ए से हमारा स्टार्ट होगा तो हम यहाँ पे इसको कॉन्सोनेंट को भी हटा देंगे, ये भी करेक्शन है. हम क्या करेंगे, एन आर्मी, इसको कर देंगे एन आर्मी ऑफ ऑफिशियल्स. ये हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस. तो हमारी एरर किस में फाइंड आउट की हमने, एरर हमने फाइंड आउट की ए पोर्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अ शोल ऑफ वॉल्व्स, देखिए अ शोल ऑफ वॉल्व्स अटैक्ड द ट्रेवलर्स, नो एरर. फाइव पार्ट्स है हमारे, फर्स्ट में क्या है, अ शोल ऑफ वॉल्व्स, सोल है, अ वॉल्फ है, अटैक्ड है, ट्रेवलर्स है, नो एरर. अब बताइए वॉल्फ के साथ क्या यूज होता है, क्या यही कलेक्टिव नाउन यूज होती है कि हमारी नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन दूसरी कोई कलेक्टिव नाउन यूज होती है. हमारा करेक्शन सही है कि करेक्शन नहीं है, इसमें सही है कि गलत है ये हम देखते हैं इसके साथ क्या होगा. तो देखिए यहाँ पे शोल का यूज नहीं होता है, शोल्व्स के साथ, वॉल्व्स के साथ शोल का यूज नहीं होता है. यहाँ पे करेक्शन हमारा यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट में, कलेक्टिव नाउन में करेक्शन है. इसको कैसे सही करेंगे, इसको किस में चेंज करना है, इसको पैक में चेंज करना है. अ पैक ऑफ वॉल्व्स, कलेक्टिव नाउन क्या हो गई हमारी, अ पैक ऑफ वॉल्व्स. शोल का यूज नहीं करेंगे वॉल्व्स के साथ, कलेक्टिव नाउन हमारी क्या है, पैक. तो करेक्शन किस में हुआ, पार्ट ए में हमारा करेक्शन हुआ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. The police were trying to control the crowd. देखिए पुलिस जो है भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी. Police were trying to control the crowd. जब भी बहुत बड़ी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और पुलिस को उसको कंट्रोल करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे पुलिस को कंट्रोल करना पड़ता है बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़े समुदाय में कोई भीड़ एकत्रित होती है, तो वहाँ पे हम क्राउड का यूज़ नहीं करते हैं. वहाँ पे हमारा ये क्राउड जो है वर्ड, ये कलेक्टिव नाउन हमारी क्या है,
ये क्राउड जो हमारी कलेक्टिव नाउन है ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगी. इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? मॉब. क्या यूज करेंगे? मॉब वर्ड यूज करेंगे. कलेक्टिव नाउन क्या है हमारी? मॉब. तो कौन से पार्ट में हमने एरर फाइंड आउट की है? हमने एरर फाइंड आउट की है डी में. और इसके इसमें क्राउड की जगह किसका यूज करेंगे? हम मॉब का यूज करेंगे. हमारा पुलिस क्या है? ट्राइंग टू कंट्रोल द मॉब. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ही सॉ अ क्रू ऑफ शिप्स इन द हार्बर. ही सॉ अ क्रू ऑफ शिप्स इन द हार्बर. अब देखिए इसमें कलेक्टिव नाउन क्या यूज हुई है? अ क्रू ऑफ शिप्स. क्या है? अ क्रू ऑफ शिप्स. क्या ये करेक्ट कलेक्टिव नाउन बिल्कुल ही करेक्ट है और इनकरेक्ट है? देखते हैं. ये थर्ड पार्ट है हमारा, इसमें क्रू लिखा हुआ है. शिप्स के साथ कभी भी क्रू का यूज नहीं करते हैं. क्रू जो है कलेक्टिव नाउन, रॉन्ग हो जाएगी. इसकी जगह हम किसका यूज करेंगे? इसकी जगह यूज होगा फ्लाइट. अ फ्लाइट ऑफ शिप्स. देखते हैं. FLIGHT. तो कौन सी कलेक्टिव नाउन हमारी यूज हो गई? कौन सी कलेक्टिव नाउन हमने यूज की है? फ्लाइट. शिप्स के साथ हमेशा फ्लाइट यूज होगी. तो एरर हमारी किसमें निकली? सी वाले पार्ट में, सी पोर्शन में एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट. वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ. देखिए अब ये हमारा किस पे बेस्ड आ गया? ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे. मैंने आपको पढ़ाया था भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा का यूज करते हैं. जिनको हम अपने सेंस से रिलेट नहीं कर सकते वो हमारी भाववाचक संज्ञा. तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आ गए, भाववाचक संज्ञा होती है. मैं आप लोग को ये कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आप लोग साथ में मेरे ये क्वेश्चंस करते रहिए, इसमें एरर फाइंड आउट करते रहिए और कमेंट करते रहिए. आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं, आप खुद को मार्क्स दीजिए कितने आपके करेक्शन हुए हैं और कितना आपको पहले से ही क्लियर था कि यहाँ पे यही कलेक्टिव नाउन का यूज होगा या कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज होगा. खुद आप कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस अभी तक करेक्ट किए हैं और कितने नहीं करेक्ट हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. ये क्वेश्चन है हमारा वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ. देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे यूज हो गया वाइज का. जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करते हैं वो वाइज से रिलेटेड होती है. तो हम क्या करते हैं? बेटर देन स्ट्रेंथ. देखिए यहाँ पे तो स्ट्रेंथ का यूज हुआ है. ठीक है, यहाँ पे तो स्ट्रेंथ का यूज हुआ है, यहाँ पे वाइज है. तो इसको अगर हम चेंज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक संज्ञा में, तो यहाँ पे इसको हम विजडम करेंगे ना कि वाइज. विजडम जो है हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई है. वाइज क्या है? वाइज एक एडजेक्टिव है, बुद्धिमान. वाइज क्या है? एक एडजेक्टिव है. और विजडम क्या है? उसको हमने चेंज कर दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक संज्ञा में, तो विजडम हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई है. ठीक है, तो ये हो गया विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. नेक्स्ट देखते हैं. He treats his servants with great kind. देखिए वह ट्रीट करता है, वह व्यवहार जैसा भी करता है अपने सर्वेंट्स के साथ विद ग्रेट काइंड. ये कैसा वर्ड हो गया? ग्रेट काइंड. काइंड क्या हो गया? काइंड मीन्स क्या है? वह दयालु है. ये तो एक क्या हो गया? ये तो एडजेक्टिव हो गया. अब एडजेक्टिव को जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे, तो वो अगर एक दयालुपन के साथ, दयालुता के साथ ट्रीट करता है, तो दयालुता के लिए काइंड का यूज नहीं करते हैं. दयालुता के लिए हम क्या लगाएंगे? उसको अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो हम उसको काइंडनेस. किसमें हम यूज करेंगे? काइंडनेस. काइंडनेस में, ठीक है, उसको हम चेंज कर देंगे काइंडनेस में. तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी यूज हो गई? ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हो गई काइंडनेस. ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद ग्रेट काइंडनेस. ये हमारा पार्ट किस पार्ट में करेक्शन थी? ये हमारा डी पार्ट में, पार्ट डी में हमारा करेक्शन निकला है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा. जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे, पिछले वीडियोस देखे होंगे, उसमें समझा होगा कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उनको ये एक्सरसाइज बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली
शॉर्ट आउट हो रही होगी, आप लोग बहुत इजीली जो है फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें क्या करेक्शन है, क्या एरर है, और आप लोग कमेंट करते रहिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस इसमें से करेक्ट हुए हैं, कितना आपको समझ में आया। और जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं वॉच किए हैं, नहीं देखे हैं, तो वो मेरे पिछले वीडियोस देख लें, उसमें मैंने कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब जितनी भी नाउन होते हैं, जितने भी काइंड्स होते हैं, उन सबका यूज़ करना सिखाया है। उसको देख लीजिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। He was hated by all for his selfish. देखिए, वह सबके द्वारा अपनी selfish के लिए हेट किया जाता था। अब selfish क्या है? Selfish तो एक एडजेक्टिव हो गया हमारा। Selfish क्या हमारा? एडजेक्टिव हो गया। और selfish एडजेक्टिव नहीं, जब इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो selfish का क्या बनाएंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब हमको चेंज करना है तो इसको कैसे चेंज करेंगे? selfish को किस में चेंज करते हैं? selfishness, इसके साथ selfishness, ness यूज करेंगे। selfish क्या है हमारा? एक selfish जो है हमारा एडजेक्टिव है, इसको हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है, तो इसको हम selfishness कर देंगे। जब भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो उसमें ऐसे वर्ड्स ऐड करते हैं जिससे उनका भाववाचक संज्ञा बन जाए, ना कि वो विशेषण में रहे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल गेव हिम पनिशेस फॉर टेलिंग अ लाई। प्रिंसिपल ने उसको पनिशेस दी झूठ बोलने के लिए। तो क्या कभी आप पनिशेस, पनिशनेस का यूज करते हैं? पनिशनेस कौन सा वर्ड होता है? जब सजा दी जाती है, जब भी कोई किसी को सजा देता है, दंड दिया जाता है, तो हमेशा हम क्या बोलते हैं? पनिशमेंट, ना कि पनिशनेस। इसको हम किसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर देंगे? ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगी पनिशमेंट। कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगी हमारी? पनिशमेंट। इसको हम चेंज कर देंगे पनिशमेंट में। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी क्या हो गई? पनिशमेंट। पनिशनेस का पनिशमेंट में। प्रिंसिपल ने उसको पनिशमेंट दी थी उसके झूठ बोलने पे। अब हमारा करेक्शन किस में निकला? एरर हमने किस में फाइंड आउट की? पोर्शन सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एबलनेस। देखिए, वह अपनी रीडिंग एबलनेस को, पढ़ने की योग्यता को इम्प्रूव करना, सुधारना चाहता है। ठीक है, कभी एबलनेस होता है, एबलनेस कौन सा वर्ड हो गया? एबलनेस क्या हो गया? ये तो एक एडजेक्टिव हो गया एबलनेस। इसको जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे, इसको भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, तो क्या हो जाता है हमारा? अपनी योग्यता को, योग्यता के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एबिलिटी। एबलनेस की जगह कौन सा वर्ड आएगा योग्यता के लिए? एबिलिटी। इसको एबिलिटी में चेंज करेंगे, ए बी आई एल आई टी वाई, एबिलिटी। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। आप लोग साथ में अपना सॉर्ट आउट करते रहिए, करेक्शन फाइंड आउट करते रहिए और कमेंट करते रहिए कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और कितने इनकरेक्ट किए हैं। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एबिलिटी। एबिलिटी हो गया पढ़ने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉयल इज वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन। लॉयल, देखिए, किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में जो लॉयल है, जो ईमानदारी है, जो लॉयलिटी है, सच्चाई है, वो क्या है? एक सिटीजन की ड्यूटी है। जो भी नागरिक है वहाँ का, उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि लॉयल्टी से काम करे, अच्छे से काम करे। तो क्या आपको लग रहा है ये लॉयल वर्ड जो है ये करेक्ट है सेंटेंस में या इनकरेक्ट है? देखते हैं, ये जो लॉयल वर्ड है, लॉयल वर्ड क्या है? लॉयल तो हमारे एक एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे भी लॉयल क्या है? एडजेक्टिव है। इसको जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम चेंज करेंगे, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। देखते हैं कैसे। लॉयल हमारा, हमने एरर तो फाइंड आउट कर ली कि एरर हमारी कहाँ है? पोर्शन ए में, ए पार्ट में, ए पार्ट में हमारी एरर है, हमने फाइंड आउट कर ली। पर इसको चेंज कैसे करेंगे? अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो इसको हम चेंज करेंगे लॉयलिटी में, लॉयलिटी। ठीक है, जब भी इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे लॉयल को, लॉयल हमारे एडजेक्टिव था, लॉयल टू वंस कंट्री, लॉयल रहना, लॉयलिटी, लॉयलिटी दिखाना, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा दिखाना,
एक सिटीजन का, नागरिक का कर्तव्य होता है, तो लॉयलिटी का यूज हो जाएगा। हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी यूज होगी? लॉयलिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। द लूज ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर। द लूज ऑफ द पर्स, तो क्या होगा यहाँ पे? आपको लूज ये वर्ड, लॉस ये वर्ड कैसा लग रहा है? लूज लॉस, क्या यहाँ पे करेक्शन होगा कि नहीं होगा? देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा द लॉस ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर। पर्स का खोना, टीचर को उसके बारे में, पर्स के खोने के बारे में बताया गया था, तो लॉस नहीं होता है यहाँ पे। इसको जब भी हम चेंज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो इसको हम चेंज करेंगे द लॉस्ट ऑफ पर्स। पर्स का खोना जो है वो टीचर को उसकी रिपोर्ट दी गई थी, बताया गया था, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? लॉस क्या हमारा हो जाएगा? ये हमारी क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव। और जब भी हम इसको एरर फाइंड आउट करेंगे, उसको चेंज किस में करना है? लॉस्ट में। इसका करेक्ट वर्ड हो जाएगा लॉस्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी हो जाएगी लॉस्ट। द लॉस्ट ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखते हैं। द राइटर गॉट हिज वाइफ्स परमिटेंस, वाइफ्स परमिटेंस टू गो टू द सिनेमा। फर्स्ट पार्ट है द राइटर, सेकेंड में गॉट हिज वाइफ्स परमिटेंस। परमिटेंस मीन्स क्या होता है? देखिए, वाइफ की उसने क्या ली? परमिशन ली सिनेमा जाने के लिए। तो क्या परमिटेंस वर्ड यहाँ पे सही यूज हुआ है? परमिटेंस वर्ड बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ये सेंट वर्ड जो है हमारा, ये वर्ड बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। इसको हम अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं, परमिटेंस को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे, तो वाइफ्स परमिशन हो जाएगा, ना कि परमिटेंस। इसको हम परमिशन में चेंज करेंगे, वो अपने वाइफ की परमिशन लेगा, यानी कि सहमति बताएगी वो उसकी वाइफ, या सहमति लेगा उसके, उससे पूछेगा। तो राइटर गॉट हिज वाइफ्स परमिशन टू गो टू द सिनेमा। इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज किया। परमिटेंस जो था हमारा, गलत वर्ड दिया हुआ था वहाँ पे, वो एडजेक्टिव था, और उसको हमने किस में चेंज किया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, परमिशन। तो इसमें पार्ट, किस पार्ट में हमने एरर फाइंड आउट की? बी पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। Without healthiness there is no happiness. ठीक है, तो देखिए, without healthiness, स्वस्थ होने के बिना, स्वस्थता के बिना, there is no happiness, कोई खुशी नहीं है। तो क्या healthiness word कभी use होता है? देखिए, healthiness क्या हो गया? Healthiness without healthiness, happiness, हैप्पीनेस हमारा वर्ड क्या है? बिल्कुल, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसकी बनाई, तो ये करेक्ट हो गया हमारा, ये तो बिल्कुल सही है। पर क्या हेल्दीनेस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हेल्दी की होती है, वो हेल्दीनेस होती है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसको हम, इसका वर्ड चेंज करेंगे, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। हेल्थ के बिना, इसको हम चेंज करेंगे हेल्थ में, हेल्थ के बिना, कैसे देखते हैं? हेल्थ, हेल्थ के बिना कोई भी खुशी नहीं है। तो हेल्थ को हम यूज करेंगे हेल्दीनेस, हेल्दीनेस है, इसको हम यूज कर देंगे हेल्थ में। ठीक है, क्या वर्ड है, किस में हमारी मिस्टेक निकली, किस पार्ट में मिस्टेक है? ए पार्ट में। हेल्दीनेस को हमने हेल्थ में चेंज किया। तो कौन सा वर्ड हमने देखा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने चेंज कर दिया हेल्दीनेस को हेल्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर ठाकुर ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्ड डेज। देखिए, मिस्टर ठाकुर जो हैं, वो कभी कभी सोचते हैं अपने अच्छे दिनों के, बचपन के अच्छे दिनों के बारे में। तो बचपन के लिए क्या हम चाइल्ड डेज वर्ड का यूज करते हैं? इसको चाइल्ड, एक वर्ड होता है बचपन, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, और उसको जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा में चेंज करते हैं, तो क्या चाइल्ड डेज यूज करते हैं? कभी नहीं। उसको हम किस में यूज करते हैं, किस में चेंज करते हैं? बचपन के लिए हम क्या करते हैं? चाइल्डहुड। बचपन के लिए वर्ड कौन सा आएगा? चाइल्डहुड। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी क्या हो गई? चाइल्डहुड। कौन से पार्ट में करेक्शन निकला हमारा? डी पार्ट में। कौन से पार्ट में करेक्शन है? पार्ट डी। चाइल्डिश की जगह चाइल्डहुड का यूज हुआ है। ठीक है, मिस्टर ठाकुर ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन के अच्छे दिनों के बारे में हमेशा कभी कभी सोचते रहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द अमाउंट ऑफ द एक्सीडेंट्स इज स्टीडली इंक्रीजिंग. ठीक है, द अमाउंट ऑफ द एक्सीडेंट्स इज स्टीडली इंक्रीजिंग. क्या क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है हमारा द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट, सेकेंड पार्ट है ऑफ एक्सीडेंट्स, थर्ड पार्ट है स्टीडली इंक्रीजिंग. देखिए, जब भी बढ़ने की बात होती है, जब भी बढ़ने घटने की बात होती है, तो क्या अमाउंट बढ़ता घटता है कभी? वो तो एक मात्रा में होता है. ठीक है, ये तो एक मात्रा में होता है. इसको हम गिनते हैं कभी? गिन सकते हैं? इसको हम नहीं गिन सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल होता है. अमाउंट मीन्स मात्रा होती है, अमाउंट को कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल में यूज होता है. तो देखते हैं क्या यूज होगा. अगर हम इंक्रीजिंग लगातार बढ़ने की बात कर रहे हैं, यानी कि वो नंबर में होगा. किसमें होगा? नंबर में होगा. जब हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, लगातार कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अमाउंट की जगह हम नंबर का यूज करेंगे, नंबर वर्ड यूज करेंगे. हमने एरर कहाँ फाइंड आउट की? पोर्शन ए में. क्या एरर है, कैसे है? देखिए, एक्सीडेंट्स का नंबर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं. तो एक्सीडेंट्स क्या है? उनको हम गिन सकते हैं, कितने एक्सीडेंट हो गए, उनको काउंट कर सकते हैं. तो काउंट कर सकते हैं, अमाउंट तो एक मात्रा हो गई जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और नंबर क्या है हमारा, जिसको काउंटेबल में आता है, उसको हम काउंट कर सकते हैं. इसलिए वहाँ पे क्या है, वहाँ पे नंबर का यूज होगा, वहाँ पे अमाउंट का यूज नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. On almost every page there were announcements of cigarettes and tobacco. No error. देखिए, almost every page पे, लगभग सारे पेज पे अनाउंसमेंट हुई थी सिगरेट और तम्बाकू के लिए, tobacco के लिए. ठीक है, तो क्या पेज पे अनाउंसमेंट हो सकती है? कभी ये वर्ड आएगा, पेज पे अनाउंसमेंट होती है, ये एडवर्टाइजमेंट होता है. इस पे पेज, एवरी पेज, जब हम सिगरेट या टोबैको के लिए कोई भी बात बोलेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट, ना कि अनाउंसमेंट. पेज पे किया गया है तो पेज पे एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा, अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी. तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, करेक्शन करेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स को लिखेंगे और अनाउंसमेंट्स नहीं है वहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट्स. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स होगा यहाँ पे, अनाउंसमेंट की जगह एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी पेज पे, हर पेज पे सिगरेट और टबाको के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ. तो करेक्शन हमारा कहाँ पे हुआ, एरर फाइंड आउट हुई हमारी, सी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. आई वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट एंड आई एम श्योर दे विल गिव द जॉब समवन एल्स. मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था अपॉइंटमेंट के समय, और मुझे निश्चित हूँ, मैं श्योर हूँ कि वे जो हैं किसी और को जॉब दे देंगे. तो किस समय हम नर्वस होते हैं? अपॉइंटमेंट की जगह, यहाँ पे अपॉइंटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं होगा वर्ड. अपॉइंटमेंट की जगह नहीं, इंटरव्यू के टाइम. किस टाइम पे नर्वस होते हैं? अगर आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वहाँ पे आपको जॉब तो मिल चुकी होगी ना. अगर वो कह रहा है दे विल गिव द जॉब समवन एल्स, वो किसी और को जॉब दे देंगे, तो यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू. इंटरव्यू में बहुत नर्वस था, तो यहाँ करेक्शन करेंगे हम और इंटरव्यू को लिख देंगे. इंटरव्यू यहाँ पे वर्ड आ जाएगा. आई वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड आई एम श्योर दे विल गिव द जॉब समवन एल्स. ओके, करेक्शन हमारे कहाँ है, पार्ट बी में. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं. ऑल द पैसेंजर्स कैरीड देयर ओन बैगेजेस. देखिए, जितने भी पैसेंजर थे वो अपने 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 खुद के बैगेजेस, बैग मतलब बैगेजेस मीन सामान, ले गए थे. तो बैगेजेस वर्ड मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि बैगेजेस, लगेज, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये सामान के लिए आते हैं, तो इनको कभी भी हम प्लूरल में यूज़ नहीं करते हैं, इनको हमेशा हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे. तो बैगेजेस वर्ड कभी भी सही नहीं होता है, इसकी जगह पर हम बैगेज, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बैगेज. ई एस इसका हम हटा देंगे और बैगेज वर्ड ही यूज करेंगे. लगेज है, बैगेज है, लैंग्वेज है, इनको कभी भी हम प्लूरल में चेंज नहीं करते हैं, इनको हम सिंगुलर में ही रखते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियोज में ही बताया. तो फाइंड आउट हमने कहाँ कहाँ किया एरर को, डी पोर्शन में. नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं ये लास्ट
अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं इस सीरीज का, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं इसके पहले आपको ये बता दूं, अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, उसके एरर फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप साथ में ये क्वेश्चंस करते रहिए और कमेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और अगर आप इंग्लिश के सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं, हमारे साथ पेड ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं, ऐड होना चाहते हैं, तो हमारे पेड ग्रुप पे ज्वाइन होने के लिए, ऐड होने के लिए नंबर है हमारा 9335268901। 93 नंबर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, 9335268901 ये नंबर है, इस पर आप ऐड हो सकते हैं। इस पेड ग्रुप पे हमारे ऐड होके आप सारे इंग्लिश के जितने भी लेक्चर्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितने भी हैं वो आप उनको देख सकते हैं और उस पर ऐड हो सकते हैं और इंग्लिश आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है? वी वर सरप्राइज बाई देयर पिकुलर बिहेवियर। देखिए यहाँ पे आर जो है मिसप्रिंट हो गया है। We were surprised by their peculiar behavior. ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, इसमें कहीं पे भी करेक्शन है? देखते हैं। We were surprised, हम आश्चर्यचकित थे उनके peculiar मतलब अजीब से व्यवहार के लिए। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे बिहेवियर्स होता तो इसमें एरर होती। बिहेवियर्स क्या होता है, व्यवहार को कभी भी हम प्लूरल में यूज नहीं करते हैं, उसको हम सिंगुलर में यूज करते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस में नो एरर, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो हमारा ई वाला पोर्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज आपने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, सीखे हैं, उनको कमेंट करिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और कितने गलत, और हमारे ग्रुप को इसको लाइक करिए और शेयर करिए।